हेलो, ये वीडियो दिल्ली एम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 का है, जो 15 सितंबर 2019 को दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम हुआ है। ये वीडियो उसके बेसिस पर है। इसमें कट ऑफ जो दी जा रही है वो कट ऑफ आपको किसी को ज़्यादा लगेगी किसी को कम, तो वो कट ऑफ हम देखते हैं। कुछ पैटर्न बेसिस लग रखे हैं उनके ऊपर ही कट ऑफ आधारित है। दोस्तों, अगर आपने एम्स बठिंडा का फॉर्म भरा है और आप अगर एम छोटी का पैटर्न जानना चाहते हैं कि इस तरह का एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और इस एग्ज़ाम का जो जी एम सेज के ऊपर आधारित होगा। जी एम सेज के पेपर मैं कल पेपर विद सोल्व करके जो आपको कल सुबह तक आपको अवेलेबल करा दूंगा इसी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी कट ऑफ पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये कट ऑफ है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पैटर्न मॉडरेट टू वेरी हार्ड, जो पेपर मॉडरेट टू वेरी हार्ड क्या हार्ड टू वेरी हार्ड था, मोर नंबर ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चंस थे, इमेज बेस और वीडियो बेस के क्वेश्चंस आए थे। देखिए, आपको जो वीडियो बेस क्वेश्चन है वो तो आपको ना तो गूगल पे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, और इमेज बेस भी वही तो आए थे ना, आपको बुक में थे, किसी पीआर बुक से नहीं आए ना किसी टारगेट आई बुक से आए थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आया था। कुछ क्वेश्चन तो आसान थे, जैसे कि यूनिवर्सल डोनर हुआ और प्रोन पोजिशन हुआ, कुछ क्वेश्चन सादा नॉर्मल आए थे, बाकी क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही हाई था। इसमें हाई लेवल की साइकेट्रिक आई थी, साइकेट्रिक का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था। उसमें क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा घुमा कर पूछा था, कोई भी सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं था। और फार्मा का लेवल भी बहुत ही हाई था, जो कि आपको नॉर्मल ड्रग्स कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल ड्रग्स से नहीं था, जिसमें कि आपको जैसे कि फिनाइटोन के साथ में उसने डेक्सट्रोज दे रखा था, या फिर प्रोपोफोल पूछा था, फेंटाइल आया था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस का यूज़ किया था। और लेंथी क्वेश्चन टाइम कंज्यूम क्वेश्चंस थे। कुछ वीडियो बेस्ड क्वेश्चन तो 20 सेकंड के थे। हम जब किसी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक दो बार तो समझ में नहीं आता, हम 60 सेकंड यानी 1 मिनट तो उसको देखने में, फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो उसे उस ऑप्शंस में हम करीब 30 सेकंड निकाल देते हैं, और कई बार जवाब नहीं दे पाएगा ना, हमने रिपीट किया उस क्वेश्चन को तो फिर से वो 1 मिनट ले जाता है। कई कई बार तो किसी क्वेश्चन में 2.5-3 मिनट रुपये बर्बाद हो जाते हैं। और किसी का नो प्रिपेयर्ड रेस्पॉन्स, अब देखते हैं इसकी जो आंसर की नहीं आएगी, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट की डेट 24 सितंबर 2019 को। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को रिजल्ट की डेट का नहीं पता, आंसर की के बारे में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आंसर की आएगी क्या। इसकी कोई आंसर की नहीं आती है, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद या तो उसको सेम डे दे डाल देगा या फिर नेक्स्ट डे रो मार्क्स डाल देगा कैंडिडेट्स के। ये कट ऑफ है, देखिए इस पर कट ऑफ रहेगी, क्राइटेरिया बेसिस ही रहेगी, बस क्राइटेरिया पास करो आप शायद जॉब लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है, क्योंकि पीआरओ टारगेट से बुक से क्वेश्चन नहीं आए थे। जो क्लिनिकल में तैयारी कर रहे हैं वो कितनी तैयारी नहीं कर सकते नर्सिंग की, क्योंकि उनको लेवल वो एक अलग फील्ड से जुड़ जाते हैं। क्लिनिकल बेस के इंसान जो जुड़ रहे होते हैं वो शायद किसी बुक के ऊपर ध्यान नहीं देते, और जो कोचिंग कर रहे हैं उन्होंने क्लिनिकल पर ध्यान नहीं दिया। तो पेपर का लेवल आप अगर सोचते हो ज़्यादा जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ कम ही रहने वाली है। जनरल की 100 to 102, ई डब्ल्यू एस की 100, ओ बी सी की 92 to 96, एंड एस सी की 84 to 87 और एस टी की 82 84। देखिए कट ऑफ क्राइटेरिया बेसिस ही है, जो उसने क्राइटेरिया मांगा है 40 45 50। इसमें ओनली क्राइटेरिया परसेंटेज ही रहने वाला है, और जो कि +2 और -2 ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपका रेस्पॉन्स बताइए हमें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।